तो नमस्कार दोस्तों, हमारे वेलकम बैक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप स्टॉक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। सब कुछ एकदम कंप्लीट प्रोसेस के साथ जानेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि अप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट कैसे आप लोग यहाँ पे खुलवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आप लोगों को अप स्टॉक का एक यहाँ पे लिंक मिलेगा। सिंपल से उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सिंपल से जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली यहाँ पे डाल दिया है। सिंपल से आपको भी अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। डालने के बाद ठीक नीचे में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी। सिंपल से आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हो तो आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। जो भी ओटीपी आता है आपको सिंपल से यहाँ पे फिल कर देना है। दिया अब डालने के बाद ठीक नीचे में आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलता है। सिंपल से आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बोलता है कि आपको दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, पहला पैन कार्ड और दूसरा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड सबके पास होगा तो सिंपल से आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड का यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे और अपना जन्म तिथि इस कैलेंडर से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे सिंपल से ठीक नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा देर प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे नाम आ जाता है, फिर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिलअप का यहाँ पे ऑप्शन आता है। सिंपल से आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे। और ठीक नीचे में आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आप यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है या फिर अदर है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपका शादी हो चुका है, तो अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको पूछा जाता है एनुअल इनकम, यानी कि आपके जो पूरे साल का इनकम कितना है, 1 लाख से कम, 1 लाख, 5 लाख के, 1 लाख से 5 लाख के बीच, 5 लाख से 10 लाख के बीच। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हमारे यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख से 5 लाख के बीच हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद ठीक नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है व्हाट इज योर, यहाँ पे देख सो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपने आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है। तो चलिए हमारा यहाँ पे हम नया है तो हम लेस देन यहाँ पे 1 ईयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ठीक नीचे में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सो आर यू पोलिटिकल, यहाँ पे एक्सपोज। तो मेरा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे आप भी नो करेंगे क्लिक। उसके बाद ठीक नीचे में आपको यहाँ पे व्हाट इज योर, यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि आप क्या करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बिजनेस मैन है या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद ठीक नीचे में आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पैन कार्ड पे आपका पापा का नाम क्या है। तो सिंपल से जो भी आपका फादर का नाम है आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने अपना फादर का नाम यहाँ पे डाल दिया है। अब डालने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, उसके ठीक नीचे में थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे में आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है क्या आप यहाँ पे टैक्स पे करते हैं इंडिया के लिए। तो आप लोगों को भी यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल से मैंने भी यस पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और इसके टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे सिंपल से एग्री कर देना है। अब जैसे ही एग्री कर देते हो तो आपको यहाँ पे नीचे में बटन मिलता है नेक्स्ट। सिंपल से आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बोला जाता है इसका एक यहाँ पे ऑफर चल रहा है, जो भी आप लोग यहाँ पे डीमैट अकाउंट को पहली बार अगर आप ओपन करोगे तो आपको 1 स्टॉक फ्री में विन करने का मौका देता है। तो चलिए हम इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो आपको एक नीचे में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है यस आई वॉन्ट टू फ्री स्टॉक। सिंपल से आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग लेगा और लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे डिजिटल बोर्ड दिया जाता है, इस बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। आपको उंगली से इस तरीके से आपको घुमाना है और आपका सिग्नेचर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर होने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे अगर आपका सिग्नेचर कहीं गलत दिखा रहा है तो इरेज ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर से आप लोग सिग्नेचर करेंगे। तो चलिए हम यही रहने देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे का ऑप्शन मिलता है। सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको बोला जाता है क्या आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो सब लोगों के पास आधार कार्ड के साथ तो लिंक होगा ही मोबाइल नंबर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कनेक्ट योर डिजी लॉकर विथ यहाँ पे अप स्टॉक। तो सिंपल से हम इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तीन बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर आप लोग जैसे ही आधार नंबर डालोगे सारा का सारा बॉक्स यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हो उसके बाद नीचे में आपको एक बटन मिलता है नेक्स्ट। सिंपल से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो आपने जो मोबाइल नंबर इसके साथ लिंक किया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने अपना ओटीपी आने के बाद ही मैंने सक्सेसफुली अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। अब डालने के बाद नीचे में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कंटिन्यू। सिंपल से आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सिंपल से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अलाउ और डिनाई। सिंपल से आपको अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अब आपको यहाँ पे नीचे में बटन देखने को मिलेगा नेक्स्ट। सिंपल से आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी सेल्फी है उस सेल्फी को आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैमरा को अलाउ कर देना है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अलाउ। सिंपल से हम अलाउ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करना है। और देख सकते हो यहाँ पे आपके फ़ोन का कैमरा यहां से चालू हो जाएगा और यहां से अच्छी सी सेल्फी आपको यहां पे क्लिक करना है जो आपके अपने स्टॉक अकाउंट के साथ ये फोटो अटैच होगा। तो यहां पर अब आपको यहां पे सेल्फी क्लिक करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है टेक एनोदर और एक और ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट। अगर आपका फोटो सही से क्लिक हुआ है तो आप लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पे लगता है कि फोटो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से क्लिक नहीं हुआ है फिर से क्लिक करना चाहते हैं तो आप लोग टेक एनोदर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यही फोटो को रखना चाहते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन है। तो सिंपल से हम एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सिंपल से आपको फिर से नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिंपल से आप लोग फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है अपना बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए। यानी कि आप स्टॉक में कोई भी आप लोग ट्रेडिंग करोगे तो पैसा तो निकालना है ना, तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट लिंक करिए और इसी बैंक अकाउंट में आप लोग पैसा ले सकते हो। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर पर आपका नाम है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। फिर नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आपका यहाँ पे अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है। सब लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे सेविंग होगा तो सेविंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है नेक्स्ट। सिंपल से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे ही अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड सारी चीज़ों को डाल करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो सब कुछ डालने के बाद आपको अपने स्टॉक की तरफ से इंस्टेंट के इंस्टेंट आपके अकाउंट में 1 रुपया जमा किया जाता है आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो आपके सामने नीचे में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे गेट OTP और उसके बाद आपको बोला जाता है कि हम आपका ईमेल ID यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे OTP देना होगा। तो सिंपल से हम यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल से जो आपने ईमेल ID डाला हुआ था उस ईमेल ID को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे OTP गया होगा। तो यहाँ से देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे अपस्टॉक में अपना ईमेल ID डाला हुआ था उस ईमेल ID को ओपन कर लिया हूँ। सेम उस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अपस्टॉक की तरफ से आपको यहाँ पे OTP मिला है। सिंपल से इस ईमेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का OTP दिया जाता है। सिंपल से इस OTP को आपको वहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सक्सेसफुली अपना OTP डाल दिया है ईमेल ID का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट। सिंपल से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पे 99 रुपीज अभी के डेट में लग रहा है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका यहाँ पे ऑफर चलता रहता है। कभी कभी अकाउंट यहाँ पे फ्री में भी ओपन होता है और कभी कभी ऐसा ऑफर चलता रहता है जहाँ पर आपको यहाँ पे 199 रुपीज देना होता है या फिर 250 रुपये भी कभी कभी लिया जाता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो अभी के डेट में यहाँ पे 99 रुपीज अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग रहा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपल से इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट का बटन। सिंपल से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग 99 रुपीज़ पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको GST लगा करके 116 रुपये 82 पैसे आपको यहाँ पे करने होंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए हम अपना जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है प्रोसीड। सिंपल से आपके प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस कंडीशन से आप लोग पैसा पे करना चाहते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप लोग यहाँ से पैसा पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे गूगल पे से यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं।
तो यहाँ से जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट कन्फर्म होता है तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ऑटोमेटिक से आ जाता है। आने के बाद आपको ठीक नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, सिंपल से आपको नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है क्या आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड, गोल्ड या फिर और भी चीज़ों में, स्टॉक में आप लोग यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ठीक नीचे में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आपको ये ऑटोमेटिक से टिक लगा रहता है कि नो आई डू नॉट लेटर पे, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक से लगा हुआ होता है। तो सिंपल से आपको यहीं पे जैसा है वैसा ही आपको रहने देना है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन आता है नेक्स्ट, सिंपल से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ई साइन इन KYC आपको यहाँ पे करना होगा, यानी कि अपने जो यहाँ पे आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आधार OTP, सिंपल से आपको यहाँ पे इस ब्लू वाले टिक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को एक बटन मिलेगा ई साइन इन नाउ, तो सिंपल से आपको ई साइन इन नाउ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है कुछ देर लोडिंग होने के बाद। उसके बाद आपको सिंपल से ऑटोमेटिक से यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड का नाम है वो ऑटोमेटिक से यहाँ से ले लेगा और NSDL के वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से टिक कर देना है यहाँ पे इसके टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद नीचे में ऑप्शन मिलता है सबमिट, सिंपल से आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को VID आधार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने सामने ठीक सामने आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है उस नंबर को आप लोगों को यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने सक्सेसफुली अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स को आपको यहाँ पे इस तरीके से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका यहाँ पे सेंड OTP का बटन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है OTP डालने के लिए। तो जो आपके साथ मोबाइल नंबर के साथ जो आपका आधार कार्ड ये लिंक है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। सिंपल से जो भी OTP आता है उस OTP को आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको डाल देना है। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने सक्सेसफुली अपना जो भी OTP है वो OTP यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। अब डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वेरीफाई OTP, सिंपल से आपको वेरीफाइड OTP पे क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई होने के बाद थोड़ा सा आपको इस पेज पे वेट करना है और वेट करने के बाद आपका यहाँ पे फिर से अपस्टॉक का जो यहाँ पे रीडायरेक्शन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। दोस्तों सक्सेसफुली आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आपने जो अपस्टॉक में सारा का सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया है। बस और बस अपस्टॉक की तरफ से आपका अकाउंट को जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन डाला है उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा कि जो आपने डिटेल डाला हुआ है सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग सारा का सारा एक्टिविटी यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो दो लेवल मेरा कंप्लीट हो चुका है और सबसे लास्ट लेवल बचता है लॉगिन डिटेल। और एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, डाउनलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। सिंपल से आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको इस फाइल को अपने फोन में डाउनलोड जरूर कर लेना। उसमें आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिलता है, सब कुछ आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और सबसे लास्ट प्रोसेस है लॉगिन डिटेल। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका अकाउंट 2 दिन से 3 दिन के बीच आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपका लॉगिन डिटेल आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा अपस्टॉक की तरफ से, जहां पे आप लोगों को यहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए अपना यहां पे ईमेल आईडी को जरूर से चेक करते रहिएगा और देखते रहिएगा कि आपका अकाउंट जैसे एक्टिवेट होता है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अपस्टॉक के एप्लीकेशन को, और वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड देकर के आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद किसी भी शेयर को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो इस तरीके से कुछ सिंपल सा स्टेप को फॉलो करके आप लोग आसानी से अपस्टॉक में अपना अकाउंट यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो इससे जुड़ी कोई भी आपको समस्या है तो आप लोग मेरे कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर करना और हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देना ताकि हम आप लोगों को कॉल करेंगे और आपको जो भी दिक्कत होगी हम आपको समाधान करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक का आपको लिंक दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके जरूर से जरूर अकाउंट खुलवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाइएगा क्योंकि शेयर मार्केट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलता हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।